साहस सरोकार। G20 की अध्यक्षता संभालेगा भारत, देश के 100 स्मारक घोषणा से होंगे जगमग। सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो में चोरों ने डाला डाका, विधायक समेत 20 प्रत्याशियों के मोबाइल हुए चोरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर लगेंगे 5,500 सीसीटीवी कैमरे, 30 करोड़ रुपए के फंड को मिली मंजूरी। राज्य स्तरीय सफाई अभियान की शुरुआत, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने की शुरुआत। बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी सवारियों से भरी बस, एक महिला समेत कई यात्री हुए घायल। नंदिनी यादव, वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश को जीपीएस मुक्त प्रदेश बनाने के लिए राजधानी में महाराणा प्रताप चौराहा हुसैनगंज से साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध 75 जिला 75 घंटे 750 निकाय के राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। ए के शर्मा ने अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों से अपील की कि वे लोग अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों से कूड़ा निकालकर इधर उधर न फेंके, बल्कि सूखा एवं गीला कूड़ा को अलग अलग कर समय से निकायों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। वहीं ए के शर्मा ने अभियान की शुरुआत में आह्वान किया कि प्रदेश को हमारा यूपी सुनहरा यूपी बनाना है। और स्वच्छ बनाने के लिए, नगरों में रहने वाले लोगों को और बेहतर जीवन देने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम लोगों ने सफाई पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। कई महीने से सुबह की सफाई, प्रातः सफाई पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नियमित सफाई के साथ साथ हम लोगों को ये भी लगा कि कुछ नगरों में, सभी नगरों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट कहते हैं, जहाँ आप कुछ भी कर लो वहाँ कूड़ा कचरा लोग फेंकते ही हैं, वहाँ इकट्ठा होता ही है, और जितना आता है उससे कम जाता है, इसलिए वहाँ इकट्ठा होता जाता है। नगरों में हमने देखा है कि ऐसी अपनी जगह हैं जिसमें वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट कहा जा सकता है, ऐसी जगह 150 की संख्या में होती है। गली मोहल्लों में सड़कों की जब हम करते हैं तो हमारे रोज के दृश्य में वो प्रतापगढ़ के गढ़वारा नगर पंचायत में अध्यक्ष के रूप में जनता की पहली पसंद सचिन सिंह शोलू बने हुए हैं। बता दें कि इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनता ने युवा पीढ़ी को चुनने का सोचा और गढ़वारा नगर पंचायत से संभावित प्रत्याशी सचिन सिंह शोलू को जनता को समर्थन मिल रहा है। जनता उनका समर्थन करने के साथ साथ अपनी राय भी संभावित प्रत्याशी सचिन सिंह के सामने रख रही है। जनता का कहना है कि सचिन सिंह शोलू क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र के लोग इनके साथ युवा है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि बानरी सेना ने ही राम जी को लंका जितवाई थी, तो अभी हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं। आगे हमारे साथ भी जो है, अभी युवा के साथ हमारे साथ सीनियर लोग भी हैं जो जामवंत का काम करेंगे, समय आने दीजिए। क्या नाम है आपका? जी सचिन सिंह नाम। कहाँ से आप चुनाव मैदान में उतरे हुए? गढ़वार नगर पंचायत। भाई हम तो ये चाहता है कि जी अच्छा से भाई देखें, हाँ गाँव देश उन्हें दिन जाए, प्रत्याशी में है जी अच्छा काम करिए, उन्हें दिन जाए, और तो बहुत लोग खड़ा हैं। आपके गांव से इन दिनों एक युवा प्रत्याशी है सचिन सिंह शोलू जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, तो घट बदल है जहन भाई, आप क्या चाहते हैं, क्या एक बार युवा को मौका देंगे आप? काहे के ना दे रहे भैया, दिन जाए हारे गाढ़े हो सब हरदम रहा थे, दुआरे आवा थे खड़ा रहा थे, उन्हें दिन ही जाए। क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ के रहने वाले हैं? सिराजपुर।
बुलंदशहर में आबकारी अधिनियम के तहत रेस्टोरेंट्स एवं होटलों पर प्रशासन ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक एसएसपी एवं सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से कई रेस्टोरेंट संचालकों पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कलेक्ट्रेट के सामने रेस्टोरेंट पर खाने के साथ शराब परोसी जा रही थी, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली थी। हमारे यहाँ तो चेकिंग के दौरान अचानक से चेकिंग की गई तो पाया गया कि यहाँ पर लीकर का सेवन किया जा रहा है, जबकि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। एएसपी मैडम यहाँ पहुँची तो उस पर कार्रवाई की गई है। लगभग 25 से अधिक लोग मिले हैं जिनका चालान किया जा रहा है, और उसके अलावा जो रेस्टो का मैनेजर है उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट में FIR। बुलंदशहर में खोजा नगर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे 51 स्थित अग्रवाल फ्लाईओवर के निकट एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को बस से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका प्राथमिक इलाज चल किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक खोजा से दिल्ली जा रही बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। अमेठी में जामो थाना क्षेत्र के गौरा में आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि कुछ दबंगों ने एक दलित युवक को दौड़ाकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन पुलिस महकमे की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस कार्यवाही करने के बजाय सुलह समझौते का दबाव बनाती है। रायबरेली में सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद भी सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव से जब गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि निर्माण खंड 1, निर्माण खंड 2, प्रांतीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य टीमें गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर लगाई गई है, जहाँ 94% सड़कों पर पैंचिंग मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं कुछ सड़कों का भी नवीनीकरण 60% पूरी तरीके से करा लिया गया है, और जिसके लिए विभाग की टीमें लगाई गई है। नवीनीकरण मरम्मत कार्य गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर आखिरी में सत्यापन जांच भी मांगी जाएगी, जिसके लिए उच्च अधिकारियों की टीम भी गठित की गई है। जनपद रायबरेली में निर्माण खंड 1, निर्माण खंड 2 और प्रांतीय खंड मिला के कुल हमारा पैच मरम्मत में लक्षित लंबाई थी 1239 किलोमीटर, जिसके सापेक्ष हमने 1162 किलोमीटर, जो कि 94% हमने पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है। इसी प्रकार नवीनीकरण में हमारा लक्ष्य था 180 किलोमीटर, जिसके सापेक्ष हमने 108 किलोमीटर कर लिया है, जिसका प्रतिशत कुल 60% हुआ। विशेष मरम्मत हेतु हमारा लक्ष्य इसमें था 73 किलोमीटर, जिसके सापेक्ष हमने 58 किलोमीटर पूरा कर लिया है। अलीगढ़ में थाना इगलास क्षेत्र के गौरई चौकी में ग्राम अमरपुर थाना में 3 युवकों की अवैध तमंचा के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनमें से एक युवक का नाम कालीचरण बताया जा रहा था। औरैया पहुंचे 3 युवाओं ने अलग अलग उद्देश्यों से लेकर साइकिल भ्रमण यात्रा शुरू की है। बता दें जिनमें 2 युवा हरियाणा से हैं, जबकि एक युवक अलीगढ़ का रहने वाला है। वहीं हरियाणा के रहने वाले युवक ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को सराहा। इसके साथ ही तीनों युवाओं ने अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। युवाओं ने कहा कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है, और साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा के दौरान पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसके साथ ही कहा कि हम कम खर्चे में भी भारत किया जा सकता है। और मेरा उद्देश्य सर कि अपने जो ड्रीम होते हैं, बहुत लोगों का ड्रीम है कि भी ट्रैवल करना कैसे किया जाए कम बजट में, और कई तो सोचते हैं कि बिना पैसे के भी ट्रैवल किया जाए। हाँ, पॉसिबल है बिना पैसे के, लेकिन जब आप साइकिल लेके निकलोगे ना, तभी आपको जो दिक्कतें आती है उस चीज़ का पता लगेगा। जैसे अभी एक ट्रेंड चला था कि हाउ टू ट्रैवल विदाउट मनी, तो सर मैंने भी ट्राई किया, तो पॉसिबल तो नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया
तो आप बिना पैसे के पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। बस आपको ना थोड़ी बाहर निकलने की झिझक वो होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं पूरे भारत में बिना पैसे के। पे भी लिखा हुआ है मेरा उद्देश्य सर पर्यावरण बचाएं और सर लोगों को मोटिवेट करना साइकिल चलाने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल देखा होगा स्कूटर वगैरह पे घूमते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं चला सकते तो अपने अपने सिटी में चलाएं, तो साइकिल वगैरह ज़रूर चलाएं और पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और मेरा सर जो मेन मोटिव है वो है कि लोग जो क्या करते हैं सर, रास्ते में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो क्या करते हैं, बोतल पिया या पानी पिया तो कचरा रोड पर फेंक देते हैं, तो कचरा रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालें और अपने एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन बनाएं। तो मतलब मैं चाहता तो नशे पत्ते भी कर सकता था, क्योंकि मेरी उम्र के जो नौजवान हैं वो नशे में बहुत विलीन रहते हैं। कुछ लोग हैं बिल्कुल ही नशे, मतलब सारे पैसे ही बर्बाद कर देते हैं अपने और कहीं नौकरी वगैरह नहीं ट्राई करते, अपना फ्यूचर ख़राब करते हैं। तो एक तो आप साइकिल चलाओगे फिट रहोगे, और आर्मी ज्वाइन करोगे तो देश की भी रक्षा होगी भाई, तो आर्मी ज्वाइन करो। ये जो अग्निवीर वाला है ये ठीक है, ये बताइए मिलेगी ना। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? सर मैं हरियाणा नरवाना से हूँ, यात्रा मेरी नरवाना से शुरू हो चुकी है, अभी यात्रा ये पूरे भारत भ्रमण की है सर, तो पूरे भारत में ही जाएगी। हरदोई में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र की नवीन गल्ला मंडी में चोरों को धान के बोरे चुराते वक्त पल्लेदारों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसको खंभे में बांधकर तालीबारी सजा दी। इसी बीच अन्य चोर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को कार समेत हिरासत में लिया और पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। बता दें कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में कई महीनों से लगातार चोरी की घटनाएं होती चली आ रही थी। बोरियां भर रहे थे, चार लोग कुल थे, तीन भाग गए, एक जो है पब्लिक ने उनको मारपीट करके पकड़ा और पकड़ के पुलिस को सौंपा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।